मैं श्वेता केवट से आज आपको इतिहास के 10वां चैप्टर बदलता जीवन भारत भाग दो, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। आप ये चित्र देख रहे हो कि किस तरीके से मानव में बदलाव आया, वो आदिम युग से वर्तमान मानव में बदलाव, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत ही समय और समय लगा, और यही बदलाव जो है आपके बारे आपको इसके बारे में ही हम लोग आज आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपने भारत के बदलता जीवन भाग एक में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से आज़ादी के बाद भारत ने भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर पक्ष में किस तरीके से बदलाव हुआ, पारिवारिक और शहरीकरण और विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में किस तरीके से परिवर्तन आया। अब इसके बाद मैं आपको भारत के बदलते जीवन में मैं आपको भाषा, खेल, नाटक, सिनेमा, समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इस पाठ में हम भाषा, खेल, नाटक, सिनेमा, समाचार, दूरदर्शन में हुए परिवर्तनों के भाषा भारत में हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकण, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, ये भाषाएं महत्वपूर्ण है। देखो, भारत की 8वीं अनुसूची में जो है भारत के संविधान की अन्य भारत की आधिकारिक भाषाएं जिसको कि भारत ने महत्व दिया है वो 22 भाषाएं। आप जब नोट लेते हो तो रुपए बारे में जानकारी दी गई है। तो इन भाषाओं की ये भारतीय भाषाएं एक भाषा की जो है अनेक बोलियां होती हैं। जैसे हिंदी, हम जो हिंदी बोलते हैं उसकी 18 बोलियां हैं। हिंदी, अवधी, पंजाबी, इस तरीके से 18, बिहारी, इस तरीके से 18 बोलना है। उसी तरीके से हर भाषाओं की जितनी भी आपको भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है उसकी बहुत सारी बोलियां होती हैं। ये भारतीय भाषाओं की जो बोलियां हैं उनकी संख्या अब समय के साथ कम होती जा रही है। समय रहते उनका हमें संवर्धन करना चाहिए, नहीं तो यह जो अनमोल संपदा है इंग्लैंड का भाषाई विवरण, सॉरी नागालैंड में वर्ष 1961 में जो भाषाई विवरण दिया गया उस इस तरह है। वहाँ पे नागालैंड में 19 भाषाएं बोली जाती थी। उन भाषाओं की बहुत सारी बोलियां थी जो, और वह जनसंख्या के अनुसार अनुपात में दिया हुआ है।
तो वहां पे जो आकाशवाणी केंद्र था वहां पर 25 भाषाओं का प्रसारण करना पड़ता था, और साथ में ही अंग्रेजी, हिंदी, नागा बोली और 16 अन्य भाषाओं को जो है भाषाओं का समावेश होता था। तो आप नागालैंड एक छोटे से राज्य में देख रहे हो कि भाषाई असमानता कितनी है, कि वहाँ पे 19 भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं की बोलियां हैं। तो इसी तरीके से पूरे भारत में भाषाई जो भाषाई भिन्नता बहुत ज्यादा है। वर्ष 1990 के पश्चात प्रारंभ हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता गया। वैश्वीकरण का मतलब है जब भारत का बहुत तेजी से विकास होने लगा, चारों तरफ उद्योग धंधे विकसित होने लगे, तो ऐसे में लोगों को बहुत सारे रोजगार इस उद्योग धंधों के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से इस नौकरी करने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता गया, क्योंकि वहां पे जो डेली के काम होते थे वो अंग्रेजी भाषा में होते थे, और जो अंग्रेजी जानता था उसको ज्यादा आसानी से नौकरी मिलती थी। तो इस तरीके से अंग्रेजी भाषा जो है रोजी रोटी की भाषा बन गई। नौकरी के अनेक अवसर अंग्रेजी भाषा के कारण उपलब्ध होने लगे। इस तरीके से अंग्रेजी का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और सभी लोग अंग्रेजी शिक्षा जरूर प्राप्त करना चाहने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, अंग्रेजी का बढ़ता हुआ महत्व जो है हमारी अपनी भाषा पर वो भारी पड़ा। इसकी वजह से हमारी भाषा का महत्व कम हो गया और अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया। अब आप देखोगे कि महाराष्ट्र की बोलियां जो हैं, अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में ही बोली जाने वाली बोलियां हैं। अब अंग्रेजी सीखने में भारतीय लोग आगे हैं, परंतु इस प्रक्रिया के कारण प्रादेशिक भाषाओं का अस्तित्व खतरे में न पड़े, इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अंग्रेजी का बहुत महत्व है, पर हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनका भी महत्व है। तो हमें अंग्रेजी सीखने के साथ साथ ही अपने प्रादेशिक भाषाओं का भी संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि वह नष्ट न हो सके। तो ये रही भाषा के बारे में जानकारी। अब आपको मैं खेल के बारे में जानकारी दूंगी। स्वतंत्रता पूर्व खेल कूद के क्षेत्र में गिने चुने खेलों के ही नाम लिए जाते थे। स्वतंत्रता के पहले पहले प्राचीन पहले के काल में गिने चुने ही खेल थे। अब जो आप इतने बहुत सारे खेलों को देख रहे हो, उतने सारे खेल उपलब्ध नहीं थे। कुछ खिलाड़ियों ने इसमें परिवर्तन करने का काम किया, इस कारण खेल और खिलाड़ियों दोनों का ही नाम बड़ा हुआ। इसमें गीत सेठी का नाम महत्वपूर्ण है। गीत सेठी बिलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल के प्रकार में गीत सेठी ने विश्व जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में बिलियर्ड की कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता, और इसके साथ साथ ही पूरे विश्व में जो है अपना नाम ख्याति प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक पदक जीते। उन्होंने व्यावसायिक प्रतियोगिता में 5 बार और वैश्विक शौकिया बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में 3 बार विजेता पद प्राप्त किए। उन्होंने इस खेल को लोकप्रियता दिलाई, क्योंकि भारत के खिलाड़ी थे और भारत में विदेशों में जाकर इतने सारे पदक जीते, तो भारत के लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए, इसकी ओर उनकी नजर गई। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस खेल को भारत में बहुत ही लोकप्रिय किया। समाचार पत्रों में इस खेल के बारे में छपकर आने में फरेरा और सेठी का यह खेल प्रताप कारण है। फरेरा एक बहुत बड़े खिलाड़ी स्नूकर के थे, और गीत सेठी ने उनको जो है इस खेल में हराया, जिसकी वजह से भारतीय समाचार पत्रों में उनका नाम
दोनों का नाम आया और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। खेल नहीं खेला जाता था, परंतु जब ये छप्पर आने लगा तो लोगों का ध्यान आकृष्ट करने लगा। इस तरीके से उन्होंने खेल के क्षेत्र में एक नए खेल को जोड़ा, जिससे कि जो युवा पीढ़ी थी वो प्रोत्साहित हो सके कि इसमें भी जो है एक एक नया क्षेत्र जो है उन्होंने उपलब्ध कराया। क्योंकि देखो, खेल जो है एक व्यावसायिक रूप में भी देखा जाने लगा था। वर्ष 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में ऐतिहासिक विजय हासिल की और इस खेल ने देश भर में बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की। इस साल सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैचों में नया कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 1985 में भारत ने बेंस एंड हेजेस क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता पद प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप भारत के सभी राज्यों में यह जो खेल है बहुत ही बहुत ही प्रचलित हो गया और थोड़ा या ज्यादा तरीके से यह खेल भारत के हर राज्य में खेला जाने लगा। आप देखते हो कि क्रिकेट खेल भारत में कितना लोकप्रिय है। देशी खेल पिछड़ गए, क्रिकेट को स्थान प्राप्त हुआ, प्रमुख प्राप्त हुआ। अब हमारे जितने भी देशी खेल थे, देशी खेल में मतलब कबड्डी है और बाकी जो गेम है वो पिछड़ गए। क्रिकेट बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय खेल होने लगा। क्रिकेट को केंद्र में सुनील गावस्कर रखकर कुछ सिनेमा का निर्माण भी किया गया। दूरदर्शन पर पूर्ण 5 दिवसीय और 1 दिवसीय खेलों का प्रसारण प्रारंभ होने लगा। जैसे आप लोग टीवी चैनल्स पे आप लोग जो है न्यूज देखते हो और उसमें खेल प्रतियोगिता को देखते हो, क्रिकेट आता है तो आप चैनल पे देखते हो ना। पर पहले ऐसा नहीं था, पर जब क्रिकेट ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त की तो यह जो है दूरदर्शन पर इसका प्रसारण प्रारंभ हो गया। अब देखो, खेल इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि उसको केंद्र में रखकर सिनेमा भी बनाया जाने लगा। आप देखते हो कि MS धोनी क्रिकेट प्लेयर से ही संबंधित मूवी बनाई गई है, जो कि बहुत ही उपलब्धि प्राप्त की। इसके साथ साथ ही लगान पिक्चर भी बनाया गया, जो क्रिकेट को ही ध्यान में रखकर बनाया गया। तो इस तरीके से ये खेल जो है बहुत ही लोकप्रिय होने लगा। और अब इसके बाद है एशिया और ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत सब आगे था। एशिया में होने वाला जो गेम होता है वह एशिया खेल कहा जाता है। और ओलंपिक आपको मालूम है कि हर चौथे साल जो प्रतियोगिता होती है। इस बार भी ओलंपिक प्रतियोगिता होने वाली थी, पर कोरोना महामारी की वजह से यह प्रतियोगिता टल गई। तो ओलंपिक पूरे विश्व के लोग प्रतिभागी इसमें सहयोग प्रतिभाग प्रति प्रतियोग प्रतिभागी आते हैं। और एशियाड में केवल एशिया के जो लोग हैं वो लोग खेलते हैं। तो यह जो खेल है, खेल प्रेमियों के लिए, जो प्रतियोगी हैं उनके लिए बहुत ही महत्व रखता है और इसमें भारत भी हमेशा सहभागी रहता है। वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मलेश्वरी ने भारोत्तोलक, मतलब इसका मतलब है वेट लिफ्टिंग, इस पर पदक प्राप्त किया। ओलंपिक में पदक पाने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलक, टेनिस, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। मैरी कॉम वगैरह का नाम आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक प्रतियोगिता में। इसके बाद है नाटक और सिनेमा।
नाटक और सिनेमा भारतीयों के जीवन में महत्वपूर्ण घटक है। देखो मनुष्य जो है अपने नाटक और ये सिनेमा के और खेल, वह जब जीवन जीता है तो उसको मनोरंजन करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इसमें खेल नाटक ये सब महत्व बहुत ही महत्व रखते हैं। लगातार वह काम नहीं कर सकता है, उसको आराम भी चाहिए और मनोरंजन भी चाहिए। तो उसमें नाटक और सिनेमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटक है। पहले नाटक बहुत समय तक कभी कभी रात भर चलते थे। वर्तमान काल में नाटक का स्वरूप और तकनीक समय बदल गया है। देखो आप लोग जब ये देखते होंगे रामलीला, रामलीला देखते हो कि रामलीला कितने दिन चलता है, 9-10 दिन तक चलता है और रावण दहन तक जो है रामलीला चलता रहता है। तो इस तरह कैसे ना ये रामलीला रात रात भर चलता था और ये बहुत ही लोकप्रिय भी था। आज भी रामलीला उतने बड़े स्तर पे नहीं पर छोटे स्तर पे देखी जाती है। तो वर्तमान काल में इसके नाटक में भी बदलाव आने लगा। अब इसका स्वरूप जो है और तकनीक जो है वो उसमें बदलाव आ गया। अब नाटक के लिए रंगमंच बन गया है, थिएटर में जाके लोग नाटक देखते हैं। तो उसकी तकनीकी और समय, अब नाटक इतने लंबे नहीं होते, नाटक छोटे हैं जितना कि 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग नाटक में सम्मिलित होने लगे। तो अब नाटक को एक मंच मिल गया और जगह जगह के लोग, हर जगह के लोग जिनमें ये कला थी वो आके इसमें सम्मिलित होते गए। संगीत रंगभूमि का महत्व पहले की तुलना में कम हो गया। अब पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों में भौतिक और सामाजिक विषयों को प्रधानता मिलने लगी। पहले जो नाटक बनते थे वह उसका टॉपिक रहता था पौराणिक, मतलब पुराने जमाने के जो भगवान है, देवी देवताएं हैं, उनके बारे में ये नाटक बनाए जाते थे। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे शिवाजी, लक्ष्मीबाई, इन सब के विषयों में ऐसी घटनाओं से संबंधित नाटकों को बनाया जाता था। परंतु समय के साथ ही इसमें बदलाव होने लगा। अब राजनीतिक विषयों पर और सामाजिक विषयों पर, जो कि समाज में जो चल रहा है, जो समस्याएं देखी जा रही हैं, उन विषयों को अब प्रधानता मिली है। आप लोग नुक्कड़ नाटक देखते होंगे। नुक्कड़ नाटक में किस तरीके से जो है शिक्षा को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर और बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक टॉपिक हैं जिससे कि समाज को जागृत करना है, ऐसे टॉपिक पे जो है नाटक दिखाए जाते हैं। तो अब जो है पौराणिक और ऐतिहासिक नहीं बल्कि सामाजिक विषयों को प्रधानता मिलने लगी। सिनेमा के क्षेत्र में कृष्ण धवल सिनेमा के बाद रंगीन सिनेमा का युग आया। पहले के जमाने में जो है 85 के पहले ना, मतलब 99 तक जो है ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा चलता था, पर उसके साथ अब बदलाव हो गया, अब कलर मूवी आने लगी। एंड व्हाइट, अब आप लोगों ने कलर टीवी, जो आप लोगों ने कलर टीवी देखी होगी, पर इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, शायद किसी ने देखी होगी। तो इस तरीके से जो रंगीन सिनेमा आने लगा वो मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ही बदलाव आ गया। इससे मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा का स्थान जो है अतुलनीय है। आप देखते हो कि हिंदी मूवी को कितना महत्व प्राप्त है। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा का स्थान अतुलनीय है और समकालीन परिस्थितियों का चित्र सिनेमा में उभरने लगा है। अब देखो जो अब की जो मूवी रहती है उसमें सामाजिक समस्याएं, सामाजिक घटनाएं, सत्य घटनाओं पर आधारित ऐसे टॉपिक को लेकर मूवी बनाई जाती है। तो इस तरीके से जो है सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आए। अब जो है सिनेमा जो समाज की समस्याएं हैं जो चल रहा है उससे संबंधित सिनेमा बनाई जाती है। सिनेमा के क्षेत्र में कृष्ण सिनेमा के चित्रण स्थल देश के बाहर जाने लगे। जो सिनेमा बनाते थे उन वो लोग अब सिनेमा की शूटिंग के लिए भारत में न रहकर विदेशों में भी
वो जगह जगह स्थलों पर जो कि सुंदर स्थल है वहां पर, और इससे देश विदेश की जो विविधता है, जो अलगावपन है, वो हमें दिखाई देने। आप देखते हो कि हिंदी मूवी में जो है विदेशों के लोकेशन बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो इस तरीके से। और साथ में ही जो विदेशी भाषा की मूवी जो होती है, जो फिल्में होती हैं, उनको भी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके देखा जाने लगा। उसमें देखो एक सबसे महत्वपूर्ण मूवी है, एक जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क जो है वो विदेश की मूवी थी, बट उसको हर भाषा में अनुवादित किया गया और ये बहुत ही लोकप्रिय मूवी ये हुई। अंग्रेजी सिनेमा के प्रदर्शन के समय पर्दे पर हिंदी का अनुवाद दिखने लगा। हिंदी फिल्मों में वैश्विक फिल्मों से प्रतियोगिता करने लगी। जो हिंदी फिल्में हैं वह जो है विश्व की जो फिल्मों में किससे उससे प्रतियोगिता करने लगी हैं। हिंदी सिनेमा संसार भर में पहुंच गया। राजनीतिक, सामाजिक, उद्योग, प्रौद्योगिकी के प्रतिबिंब सिनेमा में उभरने लगे। 3-4 घंटे में चलने वाली जो मूवी, पहले 3-4 घंटे मूवी बहुत ही लंबी मूवी होती थी, परंतु अब लोगों के पास समय कम है और वो इतना समय मूवी देखने पे नहीं दे सकते हैं। तो जो सिनेमा था जो 3-4 घंटे का था, अब उसका समय कम हो गया, अब वो 1-1.5 घंटे की मूवी हो गई। एक पर्दा और एक थिएटर की अवधारणा बदल गई। पहले एक पर्दे पर और एक थिएटर में मूवियां दिखाई जाती थी, जिसकी वजह से कुछ गिने चुने ही थिएटर होते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिनेमा हॉलों में बहुत ही भीड़ लगी रहती थी। एक मूवी को देखने के लिए हमें बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। इसकी वजह से जो मूवी भी एक थिएटर में बहुत दिनों तक, 100 सप्ताह तक चलता था। परंतु अब आप थिएटर में जाते हो तो थिएटर में आप देखते हो कि एक ही थिएटर में एक कई सारी मूवियां एक साथ चलती रहती हैं, बहुत सारी फिल्में एक साथ चलती रहती हैं। तो इस तरीके से जो है 100 सप्ताह तक चलने का जो चलन था, एक ही मूवी को एक ही जगह जो बहुत दिनों तक चलता था, अब वह चलन समाप्त हो गया। अब एक ही समय में देश और विदेश के हजारों थिएटर में एक साथ मूवियां जो है देखी जाने लगी। इस कारण सिनेमा का आर्थिक स्वरूप बदल गया। सिनेमा का निर्माण को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो गया। आप देखते हो कि मुंबई में सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा उद्योग का केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त है। यह उद्योग करोड़ों लोगों को समाहित करने लगा है और प्रादेशिक भाषा के सिनेमा उद्योग पर बाहर छाने, मतलब जो लोकल भाषाओं के जो सिनेमा है वह जो है वो उसके बनने से उद्योग जगत को और बढ़ावा मिला। इसके बाद है समाचार पत्र। अब समाचार पत्रों में आजादी के बाद के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बदलती जीवन शैली का प्रभाव समाचार पत्रों और प्रसार माध्यमों पर पड़ा। प्रसार माध्यम कौन सा है जो बातों को फैलाने का काम करती है, जिसमें टीवी, समाचार पत्र, ये सब जो है प्रसार माध्यम का रूप है। तो बदलती जीवन शैली, हमारा जो जीवन शैली बदल रहा है, उसमें समाचार और ये समाचार पत्रों और प्रसार माध्यमों पर भी इसका प्रभाव तेजी से पड़ने लगा। अब इन माध्यमों के द्वारा व्यक्तिगत सामूहिक जीवन पर भी जो है इनका प्रभाव पड़ने लगा। स्वतंत्रता के बाद रोजमर्रा की गतिविधियों की ताजा खबरें देना, विज्ञापन प्रकाशित करवाना, उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देना, जनमत तैयार करना, रचनात्मक कामों के लिए जनमत प्रभावित कर नेतृत्व करना, प्रबोधन करना, सरकारी व्यवस्था पर अंकुश लगाना और जैसे विविध उद्देश्यों के लिए समाचार पत्र जो है प्रसारित हो रहे थे। इससे पहले तो पहले समाचार पत्रों का क्या योगदान था, वो जागृत कर लोगों को
जनमत तैयार करने का, न्यूज़ देने, समाचार देने का और विज्ञापन, ये सब कार्य में जो है आता था। और उस समय समाचार पत्र का रंग कृष्ण और धवल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट था, परंतु जब समय बदला, समय के साथ समाचार पत्र जो है रंगीन हो गए। आप न्यूज़पेपर उठा के देखो कि जो समाचार पत्र है न रंगीन है, उसमें तरह तरह के एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन आते हैं, और उसके पहले पहले पेज पे जिला अथवा तहसील मुंबई के बारे में, पहले पेज पे देखोगे मुंबई की, पहले विश्व भारत की प्रमुख विश्व की प्रमुख खबरें, फिर भारत की विश्व प्रमुख खबरें, और उसके बाद आपके राज्य की प्रमुख खबरें जो है फर्स्ट पेज पे दिया जाता है। अब जो है समाचार पत्र जो है मुख्य पत्र के रूप में पहचाने जाने वाले समाचार पत्रों की बड़ी मात्रा में राज्य स्तरीय श्रृंखला के श्रृंखला स्वरूप के पत्रों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार पत्र अब ज्यादा ही सक्रिय होने लगे हैं। अकाल के पीड़ितों को कोष इकट्ठा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्र करना, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बुद्धिमान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में के लिए सहायता प्राप्त करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा प्रायोजित करना, जैसी बहुत सारी गतिविधियां जो है समाचार पत्रों का अभिन्न अंग बन गया है। आगे के समय में अब आप दूरदर्शन के बारे में जानोगे। दूरदर्शन जो है भारत में स्वतंत्रता के समय में दूरदर्शन का जो है स्वतंत्रता के बाद जो है दूरदर्शन का आरंभ हुआ। प्रारंभ में इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखाई ब्लैक एंड व्हाइट चित्र दिखाई देते थे, और समय के साथ साथ ही यह जो है चित्र रंगीन हो गए। प्रारंभ में गिने चुने कार्यक्रम और निर्धारित समय में ही मनोरंजन करना दूरदर्शन का स्वरूप था। वहां उस प्राचीन पहले के समय में निश्चित समय पे नाटक आते थे, समाचार समाचार आते थे, मतलब बहुत ही लिमिटेड बहुत ही गिने चुने कार्यक्रम जो है समाचार दूरदर्शन पर प्रसारित होते थे। आगे चलकर शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, समाचार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में खबरें, इस प्रकार के एक-एक जो है उपक्रम, एक-एक कार्यक्रम जो है इसमें बढ़ता गया। रामायण और महाभारत धारावाहिक के समय बहुत लोगों दूरदर्शन के सामने बैठे रहते थे। तो उस समय रामायण और महाभारत दो धारावाहिक प्रसारित होते थे जो कि लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय होते थे। और इस माध्यम को लोकप्रियता का संकेत इन धारावाहिकों ने ही दिया। अब दूरदर्शन को लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है इन नाटकों ने, जो ये धारावाहिक हैं, इन्होंने जो है लोकप्रिय बनाने का बहुत ही सहयोग किया। वर्ष 1991 में इराक युद्ध का सजीव प्रसारण CNN चैनल ने संसार भर में किया। इस चरण का भारत के न्यूज चैनलों पर विश्व और साथ ही विश्व में बहुत ही बदलाव आया। वर्ष 1998 में स्टार सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन निजी उद्योग समूह भारत में आया। अब ये जो है आप जो इतने सारे चैनल्स देख रहे हो ये प्राइवेट चैनल है, और भारत जो सरकारी चैनल है वो दूरदर्शन का चैनल है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे चैनल जो है आ गए, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि एक साथ ही आप किसी पे मनोरंजन, किसी पे नाटक, बहुत सारे जो है प्रोग्राम को आप देख सकते हो। इसके प्रारंभिक काल में प्रचलित जो नाटक था वो नीरस एक तरफा प्रचारक स्वरूप अपना केवल प्रचार के रूप में, इस तरीके से जो है इनका स्वरूप था। तो
समाचार पत्रों समाचारों का विश्व, अब जो नए नए चैनल्स आए, ये जो है इनका जो है स्वरूप एकदम बदल दिया। तो आप देखते हो कि समाचार अब जो आप चैनल्स में न्यूज चैनल में देखते हो कि किस तरीके से कोई भी घटना घटती है तो कैसे न्यूज चैनल वाले उसका कवरेज करते हैं और उसको किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से समाचार जो जो दूरदर्शन है, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उन्होंने इसका जो स्वरूप है बहुत ही विस्तृत कर दिया है और ही बहुत ही बदल दिया है। इस तरीके से भाषा का प्रस्तुतिकरण तकनीकी सुसज्जित स्टूडियो वैनों का उपयोग किया जाने में इन चैनलों का इस क्षेत्र में विस्तार हुआ। फलस्वरूप समाचार में खुलापन और विविधता आई। समाचार के प्रस्तुतिकरण में अब जो है काफी बदलाव आया। वह खुल के अपनी बातों को रखें और बहुत ही बदलाव जो है उसमें दिखाई देने लगा। देश का कोना कोना जो है यह समाचार पत्र जो है, ये जो चैनल्स हैं, देश के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है तो उसको किस तरीके से उसको पूरे भारत के साथ जोड़ देती है। इसका परिणाम राजनीति पर भी हुआ और पूरे देश का जो स्वरूप है बदल गया है। आप समाचार पत्रों में देख समाचार चैनल्स में देखते हो कि कोई भी एक घटना घटती है तो उसका कवरेज जो है पूरे भारत भर में पूरे चैनल्स में किस तरीके से दिखाया जाता है, उस घटना का की विस्तृत जानकारी आपको दिखाई जाती है। तो इस तरीके से समाचार ये न्यूज चैनल जो है समाचार में खुलापन और जो है विविधता बदलाव को जोड़ने का काम किया है। अभी आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बोल टीचर। कृष्ण धवल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ना? हाँ टीचर। अब टीचर पुराने जमाने में न्यूज़पेपर और सिनेमा ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में ही आता था ना? क्योंकि उस समय देखो कलर का आविष्कार नहीं हुआ था। मुगले आजम जो आई वो कलर पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर वो कलर्ड मूवी आई। तो उस समय से जो है 85 के बाद जो है कलर्ड मूवी का जो है प्रचलन शुरू हुआ। 85 से टीचर? 85 हाँ शायद 85 है, इसके बाद से स्टार्ट हुआ है बेटा। टीचर थैंक यू। टीचर वेलकम। और कोई प्रश्न? किसी को प्रश्न पूछना है? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए आप लोग। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। ये क्रिकेट का निर्माण कौन किए थे? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पर ये भारतीय खेल नहीं है, निर्माण नहीं। हाँ निर्माण नहीं हुआ है बेटा, खोज। हाँ भाई। हाँ भाई। भारत का नहीं है, इंग्लैंड का ये गेम है। ओके ठीक है। और कोई प्रश्न? हेलो। हाँ सर। दूरदर्शन के आगे का स्क्रीन दिखाएं मैडम। दूरदर्शन के स्क्रीन के आगे का स्क्रीन दिखाएं। यस सर। भारत ने डैश के नेतृत्व में विश्व कप
भारत देश के नेतृत्व में विश्व कप प्रतियोगिता जीती है बेटा भारत ने, कपिल देव के नेतृत्व में। सुनील गावस्कर ऑप्शन ये गलत है। हेलो टीचर, आवाज आ रहा है? नहीं, बहुत कटा हुआ आवाज, मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है आवाज। हेलो, हाँ टीचर, अभी आ रहे? हाँ बोलिए। हाँ टीचर, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले मतलब कि नाटक ये 3 से 4 घंटे में होता था, अभी क्यों 2 से 2.5 घंटे कर दिए? आपके पास इतना टाइम नहीं होता है ना बेटा, हम लोग तो अभी जीवन फास्ट होता गया है, हम क्यों बैलगाड़ी पे नहीं चलते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि एरोप्लेन पे जाएं और ट्रेन पे चलें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम जल्दी से जल्दी जाएंगे। अगर 3-4 घंटे की मूवी रहेगी, नाटक रहेगा, तो कौन देखना चाहेगा? एक हम लोग 1 घंटे की अधिक से अधिक 1.5 घंटे की मूवी नाटक देख सकते हैं। तो समय जो है आगे से बढ़ा, इतना तेजी से बढ़ा है, तो वो बदलाव रहेगी, हम खुद बोर हो जाएंगे इतना घंटा देखते हुए। तो इसका मतलब टीचर, पहले के जमाने के लोग कैसे देखते थे 3-4 घंटे तक? पाठ से संबंधित क्वेश्चन। उस समय मनोरंजन का साधन कम था, जब कोई नई नई चीजें आती हैं तो उस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो उस समय उस हिसाब से था। अब उद्योग धंधे इतने, उस समय मोबाइल, लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सब नहीं था, तो मनोरंजन का साधन उनका वही था। तो इसके लिए जो है, अब टीवी मूवी जब हमारे, जब समाज की मांग होती है, तभी वो चीजें इस तरीके से आती हैं, बदलाव तभी होता है। समाज की मांग थी कि हम इतने घंटे की मूवी नहीं देखेंगे, तो वो मूवी कम होती गई। आप पुराने जमाने की मूवी देखोगे तो बहुत लंबे टाइम का होता है, बट अब की मूवी शॉर्ट हो गई है, हम उतना लंबा नहीं देख सकते हैं, हमें बोरिंग लगेगा। पर ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से संबंधित नहीं है बच्चों। पुराने जमाने के लोग हमारे जैसे ही दिखते थे, पर इतना ज्यादा जो है बदलाव नहीं था, इतनी ज्यादा उनको सुविधाएं नहीं प्राप्त थी, इतनी ज्यादा तकनीकी का ज्ञान नहीं था। और कोई क्वेश्चन?